ब्लिसफुल पे सेल लग चुकी है 10% ऑन एवरीथिंग, और उस पे आपने चेकआउट पे डालना है शगुफ्ता 10 का कोड, तो आपको मिल जाएगा टोटल 20% ऑफ। दोस्त की बर्थडे है मेरी। Actually, not just birthday, but two things. हम लोग शादी से होके फिर वापस आएंगे। जी, ये जो पिंड वाली आंटियां होती है ना, जिनको पहली बार पैसे, जिनके पास जमीनें होती हैं बड़ी लत लग, जिसको गाना बताए मम्मा वो लग रही है। ये क्या हो रहा है मेरी पार्टी में? मुझे वो ही लग रहा था। किचन में ला सकती हूँ, चलो लड़कियों पाँव रखो जूते के नीचे। और मैं अनिया की छोटी सी बर्थडे प्लान कर रहे हैं। एक तो बर्थडे एंड एक अपॉलॉजी है, बिकॉज मैंने उनका मजाक उड़ा दिया था एंड शी गॉट रियली सैड अबाउट इट। सो मुझे बहुत बड़ा गिल्ट है, तो उसको हटाने के लिए वी आर आउट हियर डूइंग अ लिटिल समथिंग फॉर हर। तो वो आप आगे ही देखें क्या है। जी जी जी, गलती तो सबसे होती है, मगर उसका एहसास हो जाए तो ये बड़ी बात। सो लेट्स गो कलेक्ट द फ्लावर्स। संडे की वजह से सब कुछ बंद है, हमारी स्टेशनरीज इधर उधर की, तो ये बस मोहम्मद अली पे एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ आए हैं हम। याया ने भी कहा था मेरी तरफ से भी कार्ड्स लेना, तो बस इधर उधर घूम के चीज़ें जमा कर रहे हैं। मैडम का आइडिया था कि आई वांट टू से सॉरी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, तो मैंने कहा चलो मैं ले चलती हूँ, करो। तो अभी बस जो है अवेलेबल उसी में से देख लो कुछ। ओह माय गॉड, चलें जी, कार्ड ले लिए और क्या लिए? कार्ड्स बस, और मैंने तो स्टोरेज के बोल लिए, मैंने मेकअप भी लिया, एक दो बॉबी वाले की क्लिप्स ली हैं। मई में ना वो रोजेस में था। ये हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर ने एक पिक्चर दिखाई थी और रजाक भाई ने ये बनाया। सेम बना? पिक्चर नहीं दिखाई थी, बस आइडिया दिया था। सही बना? आर यू हैप्पी? वेरी, इट्स ब्यूटीफुल। और इसमें फेरेरो रोशेस भी लगाई हैं, फैंसी। और ये मेरी बेटी ने मुझे दिया है। ये गाइस, एक और तैयार हो गया, मेटालिक रिबन। सही है, ओके, सही है। फ्रेश है ना ये पिंक वाले? सब ताज़े, अभी तो पहला पैकेट आपका ही खोला। बस सही है, इसमें थोड़े बेबी ब्रेथ और लगवा दें। बेटा बेबी ब्रेथ और देख लो। ले पीछे मेरे गाने की भी आवाज आ रही है। दोस्त की बर्थडे है मेरी, आज जा नहीं सकूंगी, याया अकेले होंगे, ये लोग शादी पे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उसका गिफ्ट लेके कल शूट से वापसी पे उसे देती आऊँगी। तो हम लोग वालेकुम अस्सलाम खाड़ी पे रुके हैं और वहाँ से फिर जोड़ा लेके, तो देन वी आर गोइंग होम। ये चॉकलेट मैंने ईमान से ज़बरदस्ती इसमें डलवाई है, बिकॉज ईमान के फूलों में थी। चलें जी, सेटिंग हो गई है, बेबीज़ की ऊपर से मुसलसल आवाज़ आ रही है, उन्हें मैं खाना वाना खिला के ज़रा थोड़ा उनके साथ खेल के आऊँ, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। सो विल कट द केक। पॉपी फंस गया। फूल नहीं है उनके पास।
मैं अपनी बेटी का सर दबा देती हूँ, दोनों का दबा देती हूँ बेटा, मेरे दो हाथ है। अब हमजा के कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे कहीं नहीं हो रहा, मैं सोच रहा हूँ इनका कब ठीक होगा। किनका? ये मुझे इसने लेके दिया सरप्राइज। चल मैंने कहा निया बजिया के बुके में तुमने इतनी चॉकलेट्स डलवाई हैं, एक निकाल के मेरे में डालो। खाना नहीं गलती से, ये लो बेटा। वहाँ कुछ नहीं खाया तुम लोगों ने? खाया है। क्या? पुलाव और कढ़ाई, बहुत मजे की थी। ए कौन खाएगा? ए की है नमकीन बोटी दो किलो। कल खाऊंगा, 12 बजे तुसी आ दे हो। पहले मैं इसे बाम लगा दूं, इसका दर्द ठीक हो जाए। केक का फ्लेवर क्या है आया? रेड चॉकलेट क्या फ्लेवर? ओके वन मोर। आप रेड वेलवेट या चीज केक? विक्टोरियन स्पंज? नो। सारी तो ऑप्शन हो गए। स्ट्रॉबेरी टॉफी फाइन, दिस आई वुड ऑफर। चॉकलेट डालने कुछ नहीं। माल्ट, रेड वेलवेट चीज केक। बता दो मैं काट के देखते हैं ना भाई। इसकी थीम को देख के दिमाग में क्या आ रहा है? चले वनीला मार्बल। ये पता कौन सा कलर देख के? ये पता कौन सी वाली स्कैंडल है? ओए आयशा, इसका कलर देख के दिमाग। पहले मैं छुरी तो दो। ओ एक मिनट, छुरी ला रही हूं। इसका कलर पहचान ले। खैर आप इसको ईमान समझे, उसको नबिया समझे, एक ही बात है। अच्छा पहचानने की वजह से कह रहे हैं? बोल रहे एक ही कपड़े पहनते, तुम लोग पहचान नहीं जाते मुझसे। कल मैं पहन लूंगी ये। सही गाइस, मैं हैप्पी बर्थडे कोरियन में गाऊंगी। Look at this smiley. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, dear Ania. Happy birthday to you. Have many more. May you have many more. कॉफी बोला? मॉल्ट? नो। चॉकलेट है? सारंगे हो? ओह नो, आई देख के कुछ हो। मम्मा क्या हो रहा है? सारंगे। सारंगे तो बोले सैनी। सैनी नरम चीज ऐसे खाते हैं? मेरे चैनल का है वो, देख रहा ना तुम्हारा कोरियन ड्रामा? बटर स्कॉच नहीं लग रहा? मैं देख रही हूं भाई। नहीं मैं अभी भी इसमें बात पे हूं। स्टार्ट दे वेरी स्पेशल। डैड लाइक इट सेड वेरी स्पेशल, इट्स नॉट वेरी स्पेशल। मैं कह यू सेड बटर स्कॉच। नबिया मेरे पेट हिला रही हो तालियां बजाती। नहीं बेटा मैं भारी थोड़ी हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे पत्ता रखा उसी मौत चंद वजनी चीजों के नीचे आने से हो गई। अल्लाह रहम करे। चंद एक वजनी चीज एक नहीं नहीं अम्मा का मजाक ना उड़ाए। ऐसा लग रहा है कुछ बैठा हुआ ही नहीं है ऊपर तो और क्या लग रहा है? सुन हो गई है। ये मेरी नब्बो, कल आपने जितना मुझे हंसाया है ना, मेरे प्लेटलेट्स जो बढ़ाए हैं आप दोनों ने। मैं इतना खुश हुई जब मैंने आपको हंसते हुए देखा, लेकिन मैं परेशान हो गई। मैं इतना फंस रही थी जिस तरह आप हंस रही थी। अच्छा अब देखो मैं जारा से सीरियस बात कर रही हूँ और ये अपना वो अबाया शबाया पहन के यूं सर निकाल के पीछे खड़ी हुई। मैंने कहा पहले आप बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम अपना वो पूरा करेंगे। लेकिन मैंने कभी आप बट यू आर अमेजिंग मेकिंग योर मॉम लाफ इज द बेस्ट फीलिंग। मेकिंग हर हैप्पी इज द बेस्ट फीलिंग। दे मेक यू हैप्पी। जी जनाब, आज बुलबुले की शूट पे बहुत देर हो गई।
बच्चों के साथ प्रोग्राम बना है कि डिनर पे जाना है, और डिनर के बाद हमने आज सुबह फैसल के बेटे की शादी है अरसलान की, मैंने और ईमान ने वहाँ जाना है, और वो जगह मेरी शूट की जगह से करीब थी। प्लान ये था कि मैं वहाँ से निकलूँगी, घर आके चेंज कर लूँगी, वो लोग डिनर पे आएंगे तो मैं उन्हें ज्वाइन करूँगी और फिर ईमान को लेके चली जाऊँगी। बट काफ़ी देर हो गई फ्री होते हुए, तो अब कोई 10 बजने वाले हैं, अभी बच्चे आ रहे हैं मैरियट, तो मैंने उनसे कहा है मेरे कपड़े चूज़ करके, जूते, मेकअप, सब चीज़ें ले के, बिकॉज़ बुलबुले तो सुबह से चल रहा है तो उसमें तो मेरा मेकअप बिल्कुल उतर गया है। तो अब वहाँ से तैयार होके हम लोग निकलेंगे, ट्रैफिक का भी बहुत पीक टाइम है, तो बस मैरियट में पहुँचने वाली हूँ। बच्चे तो पहुँच गए मुझसे भी पहले, वो इतनी दूर से आ रहे हैं, और मैं डिफेंस से क्लिफ्टन आने में मुझे इतना टाइम लगा है, ये ट्रैफिक है कराची की। वहाँ से फिर हम शादी पे जाएंगे और शादी के बाद घर जाके फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। कल लास्ट डे है बुलबुले की शूट का, कल ख़त्म हो जाएगा, तो कल के बाद फिर परसों का दिन है, कल अनिया भी जा रही है, आई होप कल मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ अगले स्पेल्स मैनेज करूँ, क्योंकि हया भी जनवरी में आ रही है, मुश्किल हो जाता है बहुत इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, फिर ऊपर से लेजर के लिए टाइम निकालना, दूसरों की डेट्स मैनेज करना, तो ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ी सी कोप करना प्रॉब्लम होता है, बिकॉज़ इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आज मैं गुड़ वाले चावल लेके गई थी शूट पे सबके लिए, मुझसे मिलने कुछ फैंस ने आ जाना था, आज फैंस डे था, कुछ नबील के जानने वाले थे, कुछ मेरे थे। मोटरसाइकिल ले लेती हूँ मैं, उसमें ज़रा ईजी रहेगा, हेलमेट पहना किसको क्या पता चलेगा कौन है। कल मुझे नबीहा कह रही थी मम्मा स्कूटीज़ कितनी अच्छी लगती हैं, मैंने कहा खबरदार डोंट इवन थिंक, तो पता पता मुझे बड़ा डर लगता है जो बाइक्स के एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं और जो लोग हैं, खैर से चला भी ऐसे रहे होते हैं, ना हेलमेट पहना होता है, ना वो आगे पीछे देखते हैं कि राइट से कोई आ रहा है लेफ्ट से आ रहा है, वो समझते हैं कि सारी सड़क उनकी है, जहाँ चाहे मुड़ सकते हैं, पीछे वाली गाड़ी को उन्हें देख के मैनेज करना है। ये याया ने आज हम सबको ट्रीट दिए, हम मैरियट जा रहे हैं और दूसरा बुकिंग भी नहीं मिली, हमने कहा चलो अला कार्ट पे चले जाते हैं, बट दे सर वी आर फुली बुक्ड, तो मैरियट पे रिजर्वेशन याया ने करा दी थी, वहाँ जा रहे हैं हम याया की ट्रीट पे। भाई पिछली वीडियो पे आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स हैं और मेरी सिंगिंग पे थैंक यू सो मच, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था गाने का, और मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ऑफ ट्यून होती जा रही हूँ, ऑफ ट्रैक होती जा रही हूँ गाने के मामले में, क्योंकि ना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ना मैं कोई क्लास ले रही हूँ, मेरी जो सुर ताल है ना वो काफ़ी इधर उधर हो गई है। इमरान जावेद जो है ना, वो इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है कि मैंने शायद पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि वो शायद अपने लिए जीता ही नहीं है, वो जीता ही दूसरों के लिए और इंसानियत के लिए। तो माशाल्लाह ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, अल्लाह उसे ज़िंदगी सेहत दे। अब जी मैं हमजा क्या है? नहीं है हमजा, नहीं है? नहीं, हमजा की तबीयत नहीं ठीक थी। क्या था? बोला था पेट में दर्द हो रहा है। और ये किसको ले आई हो? ओह वाओ, यू लुक वेरी हैंडसम। थैंक यू। ये हो, ये क्या रही है, कौन है? बस हमारे पास टाइम नहीं है पुत्र। मामा कॉल हर एंड आस्क हर कि कब तक है। अच्छा ठीक है, रात में शादियाँ बहुत देर तक करती हैं। ये है जी मेरा बहुत ही टूटा फूटा मेकअप, जो कि 5 मिनट में किया, ना मेरे पास ब्रश, ना मेरे पास लाइनर, ना मेरे पास कोई आई पेन, कुछ भी नहीं। बाल भी मैं ऐसे ही बांध के जाऊँगी बस, लिपस्टिक का भी कलर मैच नहीं हो रहा, मरून सूट और पिंक लिपस्टिक, तो चलता है। ठीक है, इसमें थोड़ी स्मेल थी, बीफ चिली पत्ता। नूडल्स कैसे हैं? फॉर माई हस्बैंड जी जनाब। डिनर के बाद अब हम सब पूरी फैमिली गोइंग, और मैं और ईमान एक गाड़ी में चले जाएंगे और बाकी लोग एक गाड़ी में घर चले जाएंगे। हम लोग शादी से होके फिर वापस आएंगे। Hello guys. Hello guys.
भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, मोती मोती बरस पड़े, पलके उठा मेरा वो पहले स्लिप प्रेस में दोनों जा रहे हैं ना मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं जोड़ी जोड़ी पान घर जाके खाऊंगे क्या बाहर से खाना पान नहीं खाना नहीं यस अस्सलाम वालेकुम पैसे तो आप ही देंगे आज की सारी दावत आपकी तरफ से पार्टनर्स हम अभी शादी से निकल के घर जा रहे हैं और बहुत से कलीग से मिली मैं बहुत मज़ा आया एंड नाउ वी आर गोइंग होम अनिया का भी फ़ोन आ रहा है वो वेट कर रही है आज तो मैं ऐसी टूटी फूटी तैयार होके गई हूँ इतनी प्यारी लग रही थी मामा गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था बल्कि पिछले काफ़ी दिन से बिकॉज अनिया और हमज़ा आए हुए थे हम लोग देर तक जागते थे कभी कहीं जा रहे हैं कभी घर पे ही बातें कर रहे हैं बेला पॉपी की वॉक नींद मेरी पूरी नहीं हो रही वो जब भी शूट होती है तो नींद मेरी पूरी हार्डली होती है एक्सेप्ट फॉर इन लाहौर क्योंकि वहाँ पे मैं जल्दी सो जाती हूँ तो बस अभी भी बस शूट पे ऐसे ही था और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जल्दी आ जाऊँगी आप लोग बस मुझे जल्दी फ्री कर दीजिएगा ताकि मैं निया और हमज़ा को छोड़ आऊँ एयरपोर्ट मगर पॉसिबल नहीं हो सका आज शूट पे कवि खान साहब के बेटे आए थे तो कवि खान साहब की बहुत सी बातें होती रहीं दैट वाज अ गुड मोमेंट और सुबह मैं चढ़ा के गई थी गाजर का हलवा और अभी आके उसे पूरा कर रही हूँ गैस चली जाएगी 10 बजे अनिया की बर्थडे सरप्राइज़ प्लान हो रही है इस्लामाबाद में हमना प्लान कर रही है निगत का भी मुझे मैसेज आया था कि तुम आ जाना हमना का भी मैसेज आया था कि प्लीज़ आप आ जाएंगी तो कंप्लीट हो जाएगा इवेंट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ नबीहा ईमान को तो मुझे भेजना है मगर टिकट्स इतने एक्सपेंसिव हुए हैं अभी सीज़न की वजह है या आई डोंट नो क्या है PIA सस्ती आ रही है बट आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क अनिया भी आई थी PIA से तो बता रही थी इतनी टर्बुलेंट फ़्लाइट थी वो तो अब बस यही है कि मैं आज रात ज़रा देखती हूँ ट्रैवल एजेंट को भी मैसेज किया कि कोई रीज़नेबल फेयर पे मिलती है टिकट तो ठीक है वरना मैं अगर गई तो 29th को मेरी लाहौर की फ़्लाइट है परसों और सुबह सुबह एंड उसके बाद फिर सुबह 7:30 बजे मैं यहाँ से निकलूँगी पहुँचूँगी सेम डे शूट है 30th उन्होंने मुझे अभी से बता दिया कि आपका ऑफ है तो मैं 29th को शूट के बाद जा सकती हूँ डेब्यू लेके तो लेट्स सी अगर फॉग की पोजीशन सही रही तो दैट इज़ वन ऑफ द प्लान्स तो लेट्स सी क्या होता है अब तो साथ ही रहेंगे तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी अभी मुझे ज़रा हलवा भूनना है और उसके बाद फिर खाना बना दूँ आया को बच्चे बच्चे सब खाना खाएँ अस्सलाम वालेकुम जी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ये काफ़िला चला है अभी कल रात तो आके मैंने गाजर का हलवा कम्प्लीट किया नबीहा ईमान के टिकट्स हो गए हैं दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ हमना सरप्राइज अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकूँगी हालांकि मैं लाहौर में ही होंगी अपनी शूट के लिए मैं चाहूँ तो डेबू से जा सकती हूँ लेकिन
मसला ये होगा कि अगर मैं वापस आई फॉग की वजह से डेबू लेट हो गई या कुछ हुआ तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि मैं तो शूट के लिए मेनली जा रही हूँ, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये आइडिया मैंने बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं डॉलमिन, नबीहा की फ्रेंड्स जो हैं उनका प्लान बना है, वो एक फ्रेंड की इसकी शादी हो रही है, बर्थडे थी उसकी अम्मा शादी शादी हो रही है तो बर्थडे भी है, जून जुलाई जून में शादी है, तो उसके लिए ये लोग सब फ्रेंड्स मिलके आज इनका सब फ्रेंड्स का शॉपिंग का प्लान है। तो मैं इनकी ड्राइवर हूँ, मैं वहाँ पे नमाज पढ़ूँगी, कहीं चाय कॉफ़ी पी लूँगी, ये लोग अपना थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, फ्रेंड्स टाइम गुजार लेंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे। तो आज ज़िया भाई के बेटे की वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके उस बेटे की शादी जो थी माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 30 दिन चली थी। 30 दिन मुझे नहीं याद कि हमने रात का खाना और नाश्ता घर पे खाया हो। हमारी रूटीन ये होती थी कि हम रात में जाते थे उनके पास, खाना वाना खा के डांस प्रैक्टिसेस होती थी उनकी, और उसके बाद गाना होता था, कोई सिंगर कव्वाली कभी कुछ कभी कुछ, तो उसमें हम इंजॉय करते थे। और उसके बाद सुबह नाश्ता लगता था, नाश्ता करके सब अपने अपने घर जाते थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी 14th एनिवर्सरी है आज, तो उन्होंने कहा कि वो आए हुए हैं बाहर से, तो अच्छा सा कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। आज रात को मैं और याया वहाँ जाएंगे, फिर मुझे जल्दी वापस आना है क्योंकि कल सुबह 7:30 बजे मेरी फ़्लाइट है, 6:30 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। तो जाते ही शूट पे चली जाऊँगी मैं, तो कल का पूरा दिन शूट में बिजी होगा। और वहाँ की सर्दी तौबा जीती रहे, मेरी बेटी अनिया मुझे थर्मल्स ला के दिए हैं उसने, मैं भी गई थी उनके साथ। हाँ आप भी गई थी, सब जीती रहो, सबकी बच्चियाँ सब बच्चियाँ जीती रहें, अल्लाह नसीब अच्छे करे सबके, माओं के कलेजे ठंडे रखे परवरदिगार। तो बस फिर लाहौर जाके देखते हैं क्या बनता है मेरा कराची वालों का। ओए होए होए होए, हमसे तो सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो पिछले स्पेल में ही जब गई थी तो उसमें ही मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं यही सोच रही थी कि क्या बनेगा कालिया तेरा। और मैंने आपको बताया ना, कल कवि खान साहब के बेटे बुलबुले के सेट पे आए थे, और उनकी इतनी अमेजिंग पर्सनैलिटी थी कवि साहब की, कि हम एक्टर्स की बुरी आदत थी कि जब शूट पे जाते थे इंक्लूडिंग मी बहुत पहले, तो अगर हमें बुला लिया उन्होंने जल्दी और हम बैठे हुए हैं हमारे सीन्स नहीं हो रहे तो बहुत उस पर गुस्सा आता था, उनसे कहते थे क्यों बुला लिया इतनी जल्दी, हमें कॉल बाद में करते, हम आके बैठे हुए हैं। कभी खान साहब से मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर आप आ गए हैं वो आपका एक सीन करें, वो आपके 10 सीन्स करें, वो आपका कोई सीन ना करें, बिठा के घर भेज दें, आपने उनको ये डेट दी है, ये डेट उनकी है, तो क्या इंसान थे। फिर आज नाश्ते पे मैं और याया, मैं याया को बता रही थी कि कवि खान साहब के बेटे आए थे, और मतलब पूरी इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है उनसे अच्छे इंसान जो है ना, इतना प्यार इतनी मोहब्बत और इतने हम्बल कोई और है ही नहीं, कवि खान साहब ही थे, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। तो उनकी बीमारी की सारी मुझे तो पता ही नहीं था, वो इस तरह मिलते थे सबसे कि जैसे बिल्कुल ठीक है, हिम्मत वाले थे। तो उन्होंने बताया कि जी, मैंने कहा उन्हें था क्या, मेरे लिए तो उनकी डेथ की खबर एक शौक थी, हम लोग डेनमार्क में थे मैं और नबील, तो हमें वहाँ पता चला कि ही पास्ड अवे, क्योंकि नबील इंटैक्ट था उनके बेटे से। तो बताने लगे कि अब्बू ने मुझे अपनी एक रिपोर्ट भेजी जो मैंने अपने एक दोस्त डॉक्टर को दिखाई, तो उसने मुझसे कहा कि किसकी रिपोर्ट है, मैंने कहा मेरे अब्बू की, तो उसने कहा कि ये तो कहानी ऑलमोस्ट ख़त्म है बिकॉज स्टेज 4 लिवर कैंसर है ने। तो ही सेड कि मैंने ज़ाहिर परेशानी हुई एज बेटा एज फैमिली, तो उसने कहा कि मैंने अब्बू को फ़ोन किया और मैंने कहा आप यहाँ आ जाएं कनाडा। वो कहते हैं कि ही सेड कि मुझे उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जैसे वो कहना चाह रहे थे मैं अकेला कैसे आऊँगा, तो ही सेड मैंने टिकट कराई, मैं पाकिस्तान आया लाहौर से उन्हें ले के, फिर मैं वापस गया वहाँ पे। तो कीमोथेरेपी तो उनकी हो नहीं सकती थी, इम्यूनोथेरेपी हुई उनकी और उसमें वो कम्फर्टेबल रहे। ही सेड मैंने ज़िंदगी का बेस्ट जो 4-5 महीने थे वो उनके साथ गुजारे, मैं और मेरी बीवी, बस हम उनके हमारा यही काम था कि हमने उन्हें टाइम देना है, उनकी खिदमत करनी है, उन्हें कम्फर्टेबल रखना है। तो ही सेड के लिवर कैंसर का पेशेंट मॉर्फिन्स के बगैर, और जब भी उनसे पूछते थे तो कहते थे मैं मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो कोई पेन नहीं है, विच बस मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैं आपको बता रही थी कि याया से जब मेरी बात हुई तो याया ने उनकी बड़ी बातें बताई, उन्होंने ज़िंदगी में 5 फिल्में बनाई और एक से बढ़ के एक फ्लॉप। तो याया बता रहे थे कि बेटे के नाम पर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, और उसमें उन्होंने 2 फिल्में तो एक ऐसे एक्टर के लिए बनाई जो कि बुरे हालात से गुजर रहा था, और सिर्फ उसे सपोर्ट करने के लिए, और सारा पैसा लगाया
और जब वो फिल्म फ्लॉप हुई तो उन्हें दुख क्या था कि यार उसके हालात तो ठीक हुए नहीं जिसके लिए मैंने काम किया था, अपना पैसा डूबने का दुख नहीं हुआ उन्हें। और फिर ही सेड कि इतने हम्बल, याया ने भी एक फिल्म बनाई थी बादल और बिजली, तो ही सेड कि जब मैंने उन्हें फिल्म के लिए बुलाया तो जाहिर है जब प्रोड्यूसर किसी को दूसरे शहर से बुलाता है तो उसकी बोर्डिंग लॉजिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ही सेड मैंने जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिश्तेदार के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, दूर के कोई रिश्तेदार हैं। ही सेड एक दिन मैं उनका पीछा करके गया कि इनके तो कोई रिश्तेदार है नहीं। जब मैंने उन्हें फॉलो किया तो देखा कि सदर के किसी छोटे से होटल में वो ठहरे हुए थे, सिर्फ इसलिए कि इन पे मैं बोझ ना बनूँ, इनका एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। तो मैंने याया से कहा फिर आप चुपके से जाके पे कर देते। ही सेड नहीं, वो बहुत माइंड करते अगर मैं ये करता तो। तो बहरहाल ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छी जगह रखे, आई एम श्योर बहुत अच्छी जगह होंगे, क्योंकि दुनिया में ही लेफ्ट मार्क। हमें ज़िंदगी अपनी ऐसी जीनी चाहिए कि वी लीव अ मार्क, क्योंकि परमानेंट तो वही ज़िंदगी है, ये तो नहीं है। ये तो आप देखें, एक जुम्मा जाता है दूसरा जुम्मा आ जाता है, एक महीना गुजर, साल गुजर जाता है, पता नहीं चलता। तो ये ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरती जानी है और गुजर जाएगी। मुझे भी कल की बात लगती है कि हयानियाँ छोटे छोटे थे, नबीहा, ईमान एंड माई स्ट्रगल फेज, और जब मैं सोचती हूँ कि वो टाइम था तो बड़ा मुश्किल मगर गुजर गया, और अभी भी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। तो बस आगे की फ़िक्र करनी चाहिए कि अपना और जीने का मकसद जो है वो इंसानियत है। आप यकीन करें कि आपका दूसरे इंसानों से ताल्लुक, आप दूसरे इंसानों के लिए कितनी कंफर्ट और आसानी का सबब बनते हैं, ये है आपकी ज़िंदगी का मकसद, ये पर्चा होगा सबसे ज़्यादा नंबरों वाला। तो बस इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। बस मेरा दिल चाह मैं आपसे ये बातें करूं और कबीर खान साहब को खिराज अकीदत पेश करें हम, उनके कैरेक्टर की और भी बहुत सी बातें हैं। जब मैंने उनके साथ पहली बार प्ले किया तो मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मैं उस वक्त थी, आई थिंक 30, 32, 33, आई वॉज फिट। उन दिनों काम बहुत होता था, डाइट कॉन्शियस थी, वर्कआउट करती थी बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे वो प्ले ऑफ़र हुआ और कवि खान साहब के साथ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा ही इज़ प्लेइंग माई हस्बैंड, वी हैव सच ह्यूज एज डिफरेंस। और तो खैर वो प्ले किया मैंने, उससे पहले मैं उनसे कभी नहीं मिली थी। याया की बहुत पुरानी दोस्ती थी लेकिन उस वक्त तक मैं याया से भी नहीं मिली थी। तो पहली बात जो उन्होंने मुझसे की, सीन हुआ हमारा मास्टर, एक शॉट होता है जो लॉन्ग शॉट होता है, उसके बाद फिर क्लोजेस पे आते हैं। जब मास्टर हुआ तो उन्होंने मुझसे ऐसी बात की कि मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा प्लीज़ ये ना करें। मुझे कहते हैं मैंने ठीक किया, कोई गलती तो नहीं थी? नहीं नहीं आप मुझे बताइए अगर कहीं मैं गलत था। मैंने कहा सर प्लीज़ ये मुझे शर्मिंदा ना करें, आप तो हमारे उस्तादों में से हैं, यू आर अ लेजेंड। तो खैर नहीं, आई एम नॉट अ लेजेंड, आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग एक्टर छोटी सी। बट ट्रस्ट मी, अभी तक मुझे अपना कोई काम ऐसा नहीं लगा कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने एक्टर होने का हक अदा किया। अच्छा, अभी जो आप कह रही हैं प्ले रोल, वो जब आएगा तो तब देखेंगे, इसमें भी देखते हैं कि कैसा बनता है। मुझे तो लगता है मम्मा, क्या आज? हाँ आज, आज था, आज वाज अ लेसन। आज में तो खैर डायरेक्टर्स भी इतने बड़े बड़े और वो बहुत गाइड करते थे। तो ये जो कुछ भी आज मैं हूँ इस फील्ड में, अगर मैंने पहले PTV का प्ले ना किया होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती जहाँ मैं हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? All decorated wounds. तो चलें जी, दिल हल्का हो गया आप लोगों से बातें करके। अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं तो डॉलमेन में। नहीं नहीं, ये हाइलाइट्स के लिए मैं UK से लाई थी। लो लाइट्स बल्कि। तो ठीक है। नहीं, मेरे गले में खराश सी फील हो रही है, बहुत ड्राई हो रहा है। तो वो तो गर्म पानी पी लेना आज। हाँ, आज दूध से आप भी होंगे। ऐसा ना हो दोबारा मास्क पहनना पड़े। लॉर्ड मामा भाई मास्क पहन के निकलने का फॉग की वजह से। तो ये वीडियो तो आप देखने लगे हैं अभी, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तब तक ब्लिसफुल पे सेल लग चुकी है। ब्लिसफुल पे सेल लग चुकी है 10% ऑन एवरीथिंग, और उस पे आपने चेकआउट पे डालना है शगुफ्ता 10 का कोड,
तो आपको मिल जाएगा टोटल 20% ऑफ। अमेजिंग। मैंने कहा ये खबर मैं इसमें डाल के फिर वीडियो अपलोड करूँ, तो आप लोग जाएँ वीडियो भी इंजॉय करें और शॉपिंग भी इंजॉय करें। गो चेक आउट देयर वेबसाइट ब्लिसफुल। नरगिस के फूल, पैसे निकालो, मुझे नरगिस के फूल लेने हैं। 750। ये देखें जी मैंने क्या लिया है, नरगिस के फूल, मेरे फेवरेट मोती के बाद, मगर ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। और इनकी खुशबू, उफ़, इनको क्या कहते हैं, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स कहते हैं शायद। तो चलें जी आप जाके वीडियो एंजॉय करें और ब्लिसफुल पे जाके अपने आइटम्स और अपनी कार्ड सेट करें। हम लोग जा रहे हैं ज़रा कुछ फ़न करने, मैं और मेरी बेटी नबीहा। हाय, एंजॉय द वीडियो। सनसेट का मंजर, यहाँ अपार्टमेंट्स बन गए। यहाँ तो उनकी बुशरा अंसारी की बेटी की शादी हुई थी, इस हॉल में यहाँ हॉल था। आइकॉन टावर का इन्होंने सेपरेट अंडरपास बना दिया है। हाँ, ये मजार के साथ है ना आइकॉन टावर। अंदर है इमार, बिल्कुल हटके हैं। डिफरेंट जगहों पे होती है उनकी फीडिंग स्पॉट्स। प्रॉपर करनी आनी चाहिए, जो जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। पार्किंग आज तो मुश्किल से ही मिलेगी, यहाँ है ना इतनी सारी वो ग्रीन लाइट। आप सर्दियों में जा रही हैं ना, मैंने अपनी बेटी के लिए पजामे लिए हैं गरम, और अपने लिए जैकेट्स लिए हैं जो आप ले जाना, वापस कर देना मुझे आप। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सो डिड यू गर्ल्स हैव फन? यस, वी हैड सो मच फूड, भर गए। और क्या है तीसरी का है? थाई। मगरी पढ़ी थी आपने? हाँ, थोड़ा लेट जाके पढ़ी। क्या खाया? चाइना ग्रिल और इसमें गप्पा कटा रहा। लेकिन अभी ज़रा स्टमक इश्यूज हो रहे हैं इसके लिए। वो देखो, वो रहा मेरा सामान। आपका क्या नाम है? असर। यू बीन वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। और मेरे बच्चे तो फैन है आउटफिटर्स के। Oh।
मेरी फ्लाइट है लाहौर की। लाहौर में फॉग की बहुत बुरी सिचुएशन है। सनराइज बिल्कुल होने वाला है, तो मैं अभी बोर्डिंग की तरफ जा रही हूँ। और मिठाई मैंने ले ली है सबके लिए, स्पेशली होटल स्टाफ जो इतना अच्छा था मेरे साथ, दे रियली लुक्ड आफ्टर मी वेल, उनके लिए। और गोइंग टूवर्ड्स द गेट नाउ। आई हैव बीन अप होल नाइट, ज़िया भाई के घर जाना था डिनर पे, और वहाँ पे मैंने आपको क्लिप्स दिखाए, बहुत मज़ा आया। मजाज जेब ने इतना अच्छा गाना गाया, और बिल्कुल जाते जाते मुझे भी रोक लिया उन्होंने कि आप गाना गाए बगैर तो जा ही नहीं सकती। तो खैर मैंने उन्हें वही सानू नहर वाले पुल पे सुना दिए, लेकिन चूँकि बैंड बहुत अच्छा था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, ऑर्केस्ट्रा अच्छा था, तो वो उसका साउंड ही और था। तो आई वॉज़न्ट इवन प्रिपेयर्ड कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी, तो मैं खुद ही बैठ गई, तो इसलिए वो वाला अच्छे वाला गाना मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। तो जी मैं इस वक्त बनी हुई हूँ एक नमूना। पूछें क्यों? क्योंकि लाहौर की सर्दी और फॉग से मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने थर्मल पहना, थर्मल के ऊपर मोटा जोड़ा मैं खाड़ी से लेके आई वो पहना, जैकेट ली आउटफिटर से इतनी भारी वो पहनी, मोज़े पहने और बूट पहने साथ में, अंदर शॉल। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा, मैंने कहा बस ठीक है, इससे पहले कि मैं सर्दी से बीमार हूँ, इट्स गुड टू बी केयरफुल, आई डोंट केयर हाउ आई लुक। सो दिस इज़ मी। इस वक्त मुझे चाय का बहुत दिल चाह रहा है, बोर्डिंग शुरू हो गई है, होपफुली द फ्लाइट इज़ ऑन टाइम, विच इज़ ऑन टाइम, मैंने क्रू से पूछा। तो ग्लव्स भी मैंने रख ली हैं बैग में, विच इज़ बींग एक्स्ट्रा कॉशियस, एंड दैट्स इट नाउ। एंड अल्लाह का शुक्र, देखें अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। आई वॉज सपोज टू गो ट्रैवल सारी रात जाग के और शूट करती मैं वहाँ जा के, असिस्टेंट का मैसेज आया कि हमने आज आउटडोर करनी थी, फॉग बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो हम 30th को करेंगे। पहले तो मैंने कहा फिर मेरी फ़्लाइट चेंज करा दो, मैं बच्चों के साथ एक दिन और गुजार लूँ, देन आई सेड कि नहीं इनका नुकसान होगा, तो ही सेड आप आ जाएं रेस्ट कर लें, कल हम सुबह सुबह हॉस्पिटल कर लेंगे। तो चलें मुझे सोने का मौका मिल जाएगा, जहाज़ में मैं वीडियो एडिट करूँगी माई फ्लाइट। जिनकी सीट 1529 से, वो गेट नंबर 14 से जहाज़ पर तशरीफ़ ले जाएं, शुक्रिया। नहीं जी मेरी तो 3 है,
तो बस आई एम गोइंग फॉर बोर्डिंग नाउ। रास्ते में मैं कुछ खा पी के वीडियो एडिट करूँगी ताकि वहाँ जाते ही पोस्ट कर दूँ। आज आप लोग देखिएगा मेरे ये 3-4 दिन कितने हैपनिंग गुजरे हैं और कितने अच्छे गुजरे हैं। तो चलें, अल्लाह खैर आफियत से लेके जाए तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, मुलाकात होती है जल्द। मज़ेदार सर्दी है जी लाहौर में, और धुंध का ये हाल है कि विजिबिलिटी ज़ीरो नहीं है, बट हल्की हल्की सी फील हो रही है, मतलब यू कैन ड्राइव ईज़िली। लेकिन जो सुनने में आया वो ये है कि रात को विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, विच इज़ डेंजरस। तो हम लोग शूट से तो होते ही रात में फारिग हैं, तो लेट्स सी। अभी तो मेरा नींद से बुरा हाल हो रहा है। आई एम गोना गो, दिस इज़ एन एडेड बोनस फॉर मी दैट आई एम गोना गो स्लीप। चलें, उठ के फिर मुलाकात होती है आपसे। आज चाइनीज़ का मूड था तो मैंने सूप और चाइनीज़ ऑर्डर किया, क्रिस्पी चिकन, और वो बच्चा मेरे लिए लाया गुड़ वाली चाय। मैंने तो अपनी नींद पूरी की है, अब मैं ज़रा चिल आउट कर रही हूँ। आज का दिन अभी उठी हूँ 6 बजे, 11 बजे सोई थी, और अभी फिर सोना है थोड़ी देर में नमाज वमाज़ पढ़ के, क्योंकि सुबह फिर हॉस्पिटल शूट करना है हमने। कमरे में आई हूँ तो कमरा गर्म है, और मैं तो ऐसे पैक होके आई थी जैसे मैं चांद पे जा रही हूँ। थर्मल पहने हुए थे, ऊपर इतना मोटा जोड़ा पहना हुआ था, उसके ऊपर जैकेट पहनी हुई थी, फिर शॉल, मोज़े, बूट पहन के आई हूँ मैं अंदर, जिसके वो होता है फर। जी जनाब, मैंने खाना वाना खा लिया, उसके बाद मैं ज़रा आज बिल्कुल लेज़ आउट कर रही हूँ, लेज़ी डे मना रही हूँ। अभी थोड़ी देर में फिर सोऊंगी, कॉल टाइम आ जाए कितने बजे शूट है तो फिर उस हिसाब से तैयारी करूँगी। अब रात हुई है तो थोड़ी थोड़ी सर्दी फील हो रही है। होटल में तो कंफर्टेबल है, एंड आप लोगों ने देखी वीडियो, 4-5 दिन की पूरी एक ही वीडियो मैंने बना के पोस्ट कर दी है ताकि वीकेंड पे आप लोगों के पास मटेरियल हो देखने का। बिकॉज़ मैं जाऊंगी 2 या 3 को वापस, फिर मेरे पास कुछ दिन ऑफ होंगे तो घर के कामकाज देखूंगी, और वही मेरी गोल्फ़ क्लब की रूटीन होगी, शाम में गोल्फ़ क्लब जाऊँगी। उफ़, दैट इज़ सो रिलैक्सिंग फॉर मी। ताहिर भाई और गज़ाला भाभी, असलम भाई, इम्तियाज़ भाई, इन सबको भी एक हमारा वो जो ग्रुप मीटिंग होती है और चिल आउट टाइम होता है वो भी नहीं हो सका इतने दिनों से, उनको बुलाऊंगी वहाँ पे। फिर ज़िया भाई की फ़ैमिली आई हुई है तो उनसे एक और मुलाकात करेंगे। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हमारा डिनर हुआ। सबा फैसल के बेटे की शादी, अरसलान, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, सबा के बच्चे बहुत प्यारे हैं। इसी तरह इवेंट्स में मुलाकात हो जाती है, हुमायूं से मुलाकात हुई, बहरोज साहब से मुलाकात हुई, फरीदा और शब्बीर भाई, अब्दुल्ला कदवानी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जियो के ड्रामों के, और बहुत से लोगों से, और बहुत अच्छा लगा। यू नो इट्स ऑलवेज सो रिलैक्सिंग व्हेन यू एक्सचेंज गुड एनर्जीज़। तो इसके अलावा याया की तरफ से डिनर हुआ, बड़ा ही ज़बरदस्त, वो भी एक, हालांकि वो दिन बड़ा स्ट्रेसफुल था मगर मज़ा आया। When it ends well, it's well। बस ये तो अल्लाह ताला का तोहफा हो गया मेरे लिए जो आज की शूट नहीं थी, वरना आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता शूट करना, और फिर काम भी सफ़र करता। तो चलें जी, I'll end my video here। आप लोग अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, enjoy your weekend। तमाम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर हो सके तो 2 नफल हाजत पढ़ के अल्लाह के यहाँ अर्ज़ी डाल दें कि जो मुसीबत में है हमारे मुसलमान बहन भाई इस दुनिया में कहीं भी, या कोई भी इंसान, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें दूर फरमाए हमेशा हमेशा के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ख़ास ख़ास अमान में रखे, हमसे राज़ी रहे, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।